हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल वर्ल्ड जेडी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है जो सेंटा क्लॉज बनकर सबको गिफ्ट बांटता फिरता रहता है उनका इनकम कितना है? और क्या आपको पता है अपने वाइफ को धोखा देने से एक आदमी को इतना महंगा पड़ा कि सारी जिंदगी उनको जेल में ही रहना पड़ा? तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही अनसुने फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो आप सुनकर शॉक हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, ये एक हॉरर फैक्ट है लेकिन दोस्तों आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप जिस भी फ्लाइट में बैठ चुके हो या बैठने वाले हो उस फ्लाइट में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ जरूर होता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो सकती है, माइनर से गड़बड़ हो सकती है और इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्रू मेंबर्स को पहले से ही पता होता है। बट आपको इसलिए ये नहीं बताते क्योंकि इससे कोई भी खतरा नहीं होता। इन खराब इक्विपमेंट लिस्ट को मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट के सबसे सेफेस्ट तरीका है, इसलिए दोस्तों फ्लाइंग करने से डरे नहीं। नंबर टू, सन 1993 में यूएसए के एक आदमी मिसिसिपी नाम की एक रिवर पर बने नेचुरल डैम को जानबूझकर तोड़ दिया था। पर डैम को तोड़ने के पीछे के कारण क्या था? उसने डैम को इसलिए डैमेज किया था ताकि उनकी वाइफ को ऑफिस से घर आने के लिए देर हो सके और उसी टाइम ये आदमी अपने घर पर वाइफ को धोखा देकर पार्टी कर लेगा। लेकिन डैम की डैमेज के वजह से 14 एकड़ का जमीन पानी में डूब गया। फिर उनको अरेस्ट कर लिया और डैम को डैमेज करने के जुर्म में लाइफ टाइम जेल हो गए। नंबर थ्री, द सेंटा क्लॉज, सभी बच्चों को गिफ्ट बांटने वाला एक बुरा इंसान। यह आपको क्रिसमस के सीजन में आसानी से दिख जाता है। लेकिन दूसरों को गिफ्ट बांटने वाला सेंटा क्लॉज कितना कमाता है? इनको बड़े बड़े ऑफिस, कॉलेज, स्कूल में हायर किया जाता है, खासकर मॉल या पार्क में हायर किया जाता है। इनका काम होता है बच्चों को गिफ्ट बांटना और सेल्फी लेना। बात दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, payscale.com के डाटा के अनुसार अमेरिका में प्रोफेशनल और हाईएस्ट अर्निंग सेंटा क्लॉज के इनकम एक साल में 7,000 से लेकर $1,00,000 तक होते हैं, यानी करीब 70 लाख रुपए से भी ज़्यादा इनकम करते हैं। नंबर फोर, नॉर्वे के एक स्टूडेंट जिनका नाम है क्रिस्टेल क्विज, उसने $27 यानी करीब 1900 रुपए की कुछ बिटकॉइन खरीदे और फिर कुछ सालों के लिए उसे भूल गए। जब कुछ सालों के बाद उसे याद आया उसके पास भी बिटकॉइन है, तब उस टाइम उन बिटकॉइन्स की वैल्यू हो चुकी थी $8,80,000 यानी लगभग 6,20,00,000 रुपए। और इसे कहते हैं किस्मत चमकना। नंबर फाइव, इंडियन हाउसवाइफ के पास इतने सारे गोल्ड थे, दुनिया के 11% गोल्ड रिजर्व इंडियन हाउसवाइफ के पास ही होते हैं। और ये अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के गोल्ड रिजर्व को कंबाइन करके देखा जाए तो तब भी उससे ज़्यादा है। कितना अमेजिंग है ना इंडियन हाउसवाइफ। नंबर सिक्स, दोस्तों आप किसी जंगल में खो गए तो आप क्या करोगे? वेल, आप किसी तरह सर्वाइव करके आबादी वाले इलाके में चले आएंगे। लेकिन कनाडा के जंगल में 2010 में एक इंसान खो गया और उसने जंगलों के बीच से गुजर रही पावर लाइंस को ही काट दिया और जिससे काफ़ी दूर तक पावर सप्लाई बंद हो गए। जब इसे ठीक करने के लिए इंजीनियर आए तब इस इंसान को भी रेस्क्यू कर लिया गया, यानी उनको उधर से ले गया। काफ़ी सिंपल और कमाल के आइडिया थे, है ना? नंबर सेवन, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग हमेशा खराब ही क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, सारे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है। मोस्ट 1-2% डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग अच्छे होते हैं। जब वो डॉक्टर्स बनने से पहले बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं जिसमें बहुत लिखने पड़ता है, फिर वो जाकर डॉक्टर बन पाता है। दोस्तों ये जो बताया ये तो सबसे कॉमन बात है, ये एक कारण तो है ही और बहुत सारे कारण है। डॉक्टर्स बनने के बाद जो काम के लोड, मतलब बहुत से प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है और एक घंटे के अंदर 20-30 पेशेंट्स को देखना पड़ता है और उनके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है और डॉक्टर्स को बहुत सारे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है और वो किसी चीज़ को लिखने के लिए 2 सेकंड लगता है तो 5 सेकंड क्यों लगाए? तो इसीलिए उनके वजह से डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग हमेशा ख़राब होते हैं। और क्लिनिक चलाने के लिए जो लोग रहते हैं यानी दवाई देने की, वो लोग भी डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को जस्ट एक अंदाजे से ही पकड़ कर दवाई देते हैं और जिनकी वजह से बहुत बार गलत दवाई भी दे देते हैं, जिनके कारण लोगों की मौत भी हो चुकी है। और दोस्तों और एक बात, डॉक्टर जानबूझकर भी ऐसा खराब हैंडराइटिंग लिखता है ताकि लोग उसको प्रो यानी बड़ा डॉक्टर समझे। लेकिन ये डॉक्टर्स अगर हैंडराइटिंग को अच्छे से लिखे तो हज़ारों लोगों की जान बच सकते हैं। और मेडिकल काउंसिल इंडिया ने डॉक्टर्स को कैपिटल लेटर से लिखने के ऑर्डर दिया था पर कोई इसे फॉलो नहीं करता क्योंकि इस रूल को ना मानने पर कोई जुर्माना या फाइन नहीं है, इसलिए कोई इसे फॉलो करना नहीं चाहता और प्रो बनने के चक्कर में अपना हैंडराइटिंग हमेशा खराब ही लिखते हैं।
तो दोस्तों इनमें से आपको कौन सी पैक ज़्यादा पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। I've been keeping myself so busy, personal.